आज चौदह फरवरी 2018 गौखेड़ा आश्रम पर शिवरात्रि के अवसर पर आप लोगों के समक्ष करें भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं श्रद्धावान लभनते ज्ञान श्रद्धावान श्रद्धावान लभनते यह गीता के एक का आधा का आधा है मैं कहता हूं चाहे किसी का भी थोड़ा सा भी हिस्सा हम अपना ले तो हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो सकता है कहीं नहीं कह रहे हैं भगवान कृष्ण के विद्वान लोग परमात्मा को उपलब्ध होगा श्रद्धावान हम सेवा सुमिरण समर्पण सत्संग यदि श्रद्धा से करते हैं तो इसका फल अनंत बुला हो यदि हम अहंकार से करते हैं कि बहुत धनी है बहुत बड़े हैं हम कर रहे हैं तो उस कुछ मिलने नहीं जा रहा है लोकमानस में जरूर होगा कुछ हम लोग कहेंगे पेपर पत्रिका में नाम निकलेगा श्रद्धा के लिए हम लोग करते हैं अर्पण तर्पण समर्पण तीन होता है तब आता है श्रद्धा अर्पण करते हैं अपने को अर्पण करते हैं बड़ों के लिए गुरुजनों के लिए माता पिता के लिए भी अपने को अर्पण करते हैं जनों के लिए अपने को अर्पण करते हैं पितरों के लिए तर्पण करते हैं और तब गुरु गोविंद के लिए समर्पण हो जाता है आज जब समर्पण हो जाता है तो श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाती है अब श्रद्धा जब हो जाता है तो संदेह नहीं आता है हम लोग श्रद्धा पर संदेह करने लगते हैं जब संदेह पर तू संदेह करेगा तो संदेह दूर हो जाएगा देखो कलव्य का नाम सुना होगा महाभारत का पात्र कलव्य हालांकि महाभारत का नायक नहीं है महाभारत का उपनायक भी नहीं है खल नायक भी नहीं है लेकिन पात्र है गुरु द्रोण कहें पढ़ने के लिए गया द्रोणाचार्य ने पढ़ने से नकार गए पढ़ाने से नकार गए उसी समय से गुरु कलंकित होने लगा शिष्य में यदि सामर्थ्य हो चाहे जिस जात का हो कुल का हो उसको जो है तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए पात्रता बहुत बड़ी चीज है एक कलव्य में पात्रता थी लेकिन द्रोणाचार्य ने स्वीकार नहीं किया कि हम राजकुल के गुरु हैं राजपुत्रों को ही पढ़ाएंगे तुमको नहीं पढ़ाएंगे लेकिन यदि शिष्य में अपूर्व उत्साह है तो वह गुरु से वह गुण छीन लेगा जो छिपा कर रखे हैं अपने लिए जो किसी को बताए नहीं हैं वह भी गुण वह छीन लेगा यह एक तरफा प्रेम होता है कभी कभी हम लोग तो कहते हैं कि हमने ऐसा किया गुरु जी हमारे लिए क्या किए कहता है ना हमने यह किया यह किया वह क्या किया हमारे लिए एक सेठ के तरह तालाजू पर तोलते हैं कम से कम बीस रुपया दिए तो बीस रुपया का सामान तो मिलना चाहिए यार बीस रुपया का नहीं मिले तो पंद्रह रुपया तक तो दे दो हम कभी हनुमान जी के मंदिर में जाते देखते थे को जाते कम थे एक हमारा मित्र था कहता महाराज जी रहिए पटना जब उतरते थे स्टेशन पर आप रहिए उसमें इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में थे कहा, कहा थोड़ा नाश्ता ला रहे हैं हमने कहाँ से ला रहा है तो मंदिर में चला जाता था हनुमान जी का मंदिर स्टेशन पर है बहुत बड़ा मंदिर जाकर उधर से लड्डू लेकर आता था आधा किलो हमने कैसे रे कहा जानते नहीं ना तो कहक ना बहुत लड्डू चढ़ाते हैं ना तो हम बस पुजारी जी को दस रुपये पकड़ा देते हैं दस रुपये पुजरा देते हैं तो एक आधा किलो लड्डू पकड़ा देते हैं कि क्या है ये मन अपनी बात कह रहा हूं अच्छा तू जान गया है कहा आप भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं हमारे बस की नहीं। <laughs> सब के नहीं सबके सबके बस के नहीं होता तो ये हम हनुमान जी भी देख रहे हैं ना तुम्हारा अर्पण अर्पण तो किया दस रुपया लेकिन दस रुपया अर्पण करने का हम चालीस रुपया का सामान प्राप्त करना चाहते तो यही हमारा धोखा खा जाते हैं भी देख रहे हैं एक कलव्य एक अद्भुत छात्र है निराश नहीं हुआ गुरु जी पर कोई टंट नहीं बोला गुरु जी के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं व्यक्त किया चला आया गुरु जी को आंखों में उतार लिया था देख लिया आंखों में उतार लिया उनकी छवि उतार लिया था गुरु लौटा दिया लेकिन वह शिष्य क्लब्य कहा कि आप तो मुझे लौटा दिए लेकिन मेरे हृदय से आप लौट जाए तब तो मैं आपको जानूं आप मुझे लौटा सकते हैं लेकिन मेरे हृदय से आप नहीं लौट सकते इसलिए छोटा सा बोध आठ दस साल का एकलव्य अपने जहां जंगल में भील बुआ था भील लड़का और अपने जंगल में ही मिट्टी इकट्ठा किया और झोपड़ी लगाया और उसमें गुरु द्रोण का मूर्ति बनाया और बना करके वहाँ वहां पर जो है अपने जो श्रद्धा से अपने ही अर्पण से तर्पण और समर्पण से श्रद्धा से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जो कहीं कुछ पढ़ा नहीं था लिखा नहीं था भिल को कौन पढ़ाए यदि में तुम्हें प्रतिभा होगी तो बिना पाए नहीं रुक सकता है आज में कुछ भी नहीं रहेगा तो गुरु देना चाहे तो ले भी नहीं सकता अक्सर कहते हैं कि हम इतना दिन गए कुछ नहीं होगा हम भी देखते हैं हमारे साथ बड़ी चक्कर में पड़ते हैं बहुत देना चाहते हैं अंत में एकलव्य अपने से कोई राजपुत्र है नहीं कि बहुत बढ़िया धनुष खरीद कर लाएगा बांस उस काट करके अपने ही न रस्सी उसी से बांधेगा बनाया और गुरु जी को रोज प्रणाम करता और बाण छोड़ता यह अभ्यास करने लगा अभ्यास करते 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 वह अद्भुत बाण का संघार बाण संचालक बन गया जो एक दिन संयोग से अपने प्रिय शिव अर्जुन धर्मराजिष्ट पांचों पांडवों को लेकर चल रहे थे इनके साथ एक खोजे कुत्ता चल रहा था राजकुमारों के साथ राजपुत्रों के साथ चलता है खोजे कुत्ता ना आगे आगे लाइन हम लोग भी टहलने जाते हैं देखो तुम्हारा कुत्ता आगे आगे चलता है लाइन क्लियर करते <laughs> तो बिना ट्रेनिंग के चलता है तो उनका कुत्ता आगे आगे चल रहा था और एकलव्य जहां बाण अनुसंधान कर रहा था वहां पहुंचकर उसको देखा बुआई था देखा हो करने लगा एकलव्य लग ने एक बाण चलाया कि उसका बाणों से मुंह भर गया वह कुत्ता लौट कर आया अपने गुरु जी के यहां देखे जब गुरु जी चौंक गए देखो जो जिस विद्या का कला है वह देखकर चौंक जाएगा आश्चर्यचकित हो गए कभी अर्जुन की तरफ देखते कभी कुत्ते की तरफ देखते अर्जुन पूछता क्या होगा गुरु जी कहा कि यह देख नहीं रहा है इस कुत्ते के मुंह में इतनी सावधानी से बाण मारा गया है कि इस कुत्ते के मुंह में जरा सा बाण लगा भी नहीं है कहीं से खून भी नहीं निकल रहा है कुत्ता घायल भी नहीं हुआ है लेकिन कुत्ते का मुंह बंद हो गया यह संभव नहीं है कि कुत्ते का मुंह पकड़ करके दो आदमी पकड़ा हुआ दो आदमी बाण भर रहा हो ऐसा संभव नहीं है यह तो विद्या मैं भी नहीं जानता हूं ये कौन अद्भुत योद्धा है अर्जुन यह प्रश्न खड़ा हो गया जो विद्या मैं भी नहीं जान रहा हूं और यह जो है सावधानी से इतने कुत्ते के मुंह में बाण रखा है आखिर एक बाण गिर भी नहीं रहा है कुत्ता घायल भी नहीं हुआ है न इसके जीव में चोट लगा है न इसके मुंह में फेफड़े में कहीं जो चोट लगा है न मुंह में कहीं चोट लगा है न खून गिर रहा है लेकिन बोली बंद हो गई है और बाण से मुंह भरा हुआ है निकाल भी नहीं सकता है अद्भुत था है हत प्रभ हो गए देखो देखा तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए बहुत लोग आते हैं कहते हैं गुरु जी ध्यान में मन ही नहीं लग रहा ध्यान ही नहीं लग रहा मन ही नहीं लग रहा कुछ ध्यान में हमको दिखा दीजिए कुछ कला दिखा दीजिए दे, तब ना हम माने कई से तो दुकान पर हम जाते हैं तो मिठाई देता है खा लो मीठ लगता है अच्छा लगता है तो खरीदते हैं ना ठीक करा रहा यहां तो लड़का को सिखाया ही नहीं गया यही तुम्हारी क्षमता है द्रोणाचार्य ने कहा चलो कुत्ते को इशारा किए हिल गए चलो कौन मैं देखना चाहता हूँ कौन जोधा है अर्जुन पांडव भी पांच पर गया हम लोग जानते थे कि सबसे धनुरंधर अर्जुन ही है इनसे भी कोई आगे निकल गया द्रोणाचार्य को यह प्रश्न खड़ा हो गया मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाया था ये कौन आ गया कुत्ता चल दिया वही तिरबाण लिए हुए और जहां झोपड़ी में बैठा था एकलव्य अपने गुरु का मूर्ति अपने से बना करके टेंट-पेंटिंग कहां से किया होगा मिट्टी के बनाकर हीतरी अगरबत्ती जलाकर चुप बैठा था ध्यान कर रहा था द्रोणाचार्य पहुंच गए उसके पीछे कुत्ता खड़ा था द्रोणाचार्य देखे कि मेरी ही मूर्ति बनाया है पांचों पांडव ने देखे अरे आप ही का शिष्य है आप ही का ध्यान कर रहा है एक कलव्य द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्र उठो अब एक एकलव्य अपने झोपड़ी में देख करके अपने गुरु को साक्षात शरीर में देख करके सष्टांग प्रणाम किया देखो श्रद्धा एक तरफा श्रद्धा एक तरफा होती द्रोणाचार्य नहीं चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू आ गया और अंक में भर लिए धन्य हो पुत्र धन्य हो तुमको इतना हम धनुर्विद्या सिखा दिए पुत्र कहा कि हां गुरुदेव दक्षिणा नहीं कुछ दिया पुत्र इसी से द्रोणाचार्य कलंकित हो गए इकला भी कलंकित नहीं हुआ शिष्य कलंकित नहीं हुआ देखो गुरु भी कलंकित होता है मत समझो आज तो बहुत कलंकित हो रहा है लोग प्रथम बार सृष्टि में जब जब हम कहीं लोह में पड़ेगा गुरु जब लोह में पड़ेगा लालच में पड़ेगा कलंकित हो जाएगा और शिष्य जो है कलंकित नहीं होता है जो लोह में लालच में काम में क्रोध में पड़ता है जब शिष्य भी लोह में लालच में काम में क्रोध में पड़ेगा कलंकित हो जाएगा यहां द्रोणाचार्य कलंकित हो गए दक्षिणा क्या देगा बेटा कहा गुरु जो मांग लीजिए क्या है उसके पास लेकिन ये तो नहीं कहा गुरु जी हमारा औकात देख मांगिए मांगिए दरिद्र दिल कहेगा होगा तब न देंगे गुरु जी जितना होगा तब ना फलाना को हो रहा है बहुत देर है तो हमको भी होगा तब न देंगे <laughs> देखो यह दरिद्र आदमी होने से नहीं देगा कल मैं किसी को कह रहा था होने से कोई देता है एक कलव्य के पास कुछ नहीं है कहा है कि मांग लीजिए गुरु जी क्या दें। कहा बेटा मैं जो मांगूंगा दे देगा तो बिल्कुल नहीं तो कहता कि नहीं गुरु जी मेरी अवकात देखकर मांगे ये अर्जुन अर्जुन है, तो हैं तो राजकुमार हैं लोग बिल्कुल सोच लो बेटा कहा गुरु जी आपसे मैं दीक्षा लिया हूं आपसे ही मैं सीखा हूँ आपकी मूर्ति बनाया हूं दक्षिणा मांगने में विलम मत करिए दाहिना उठा दे दो बाएं हाथ से तलवार उठाया बिना के काटा और उनके पैरों में रख दिए खून गिरेगा ना खून गिरने का सास मत किया तेरी मुठी से बांध दबा दिया लड़का जरा झिझक नहीं किया तुम लोग तो कहता श्रम नहीं आ रही है कुछ दिया नहीं है, मांगने चल दिया कहता देखो यही एक लभ्य इसीलिए एक लभ्य महाभारत में अलवेला पात्र जिंदा हालांकि अर्जुन भी पूछा बाद में गुरु जी ऐसा आपने क्यों किया बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई दूसरा ध्रुव नहीं छोड़ना चाहता हूं चूंकि जिसके पास अंगूठा नहीं रहेगा धनुर्विद्या नहीं रहेगी धनुर्विद्या का मुन का अंगूठा से है ना दाहिना मतलब कि उसका हम विद्या दिए नहीं लेकिन छीन लिए अब तो विद्यार्थी क्या कहता है नारा लगाता है गुरु द्रोण हम कल भी नहीं है एक अंगूठा नहीं दोनों अंगूठा तुम्हारा उतार लेंगे अब रहा है गुरु एक नहीं दूर गुरु जी का अंगूठा उतार लेंगे देखो यह श्रद्धावान लवन ज्ञान श्रद्धावान ही प्राप्त करता है दूसरी एक कथा हम उस दिन कहे थे लेकिन इस पर नहीं कहे थे उज्जैन देखो यह भी है संदेह पर और श्रद्धा पर उज्जैन कही राजा भरतरी था जब गुरु या फकीर कुछ देता है तो उसके पीछे रहस्य होता है कुछ करता है तो उसके पीछे रहस्य होता है वही फल श्रीमद भागवत में एक फल दिया आत्मदेव पंडित को आत्मदेव पंडित जंगल में जाकर पुत्र मांग रहा है एक सन्यासी से पुत्र मांग रहा है आत्मदेव का जात का नाम है पंडित हैं, है ब्राह्मण है विद्वान है पढ़े लिखे हैं उनका तेज इतना है तपस्या का कि सूर्य की तरह चमक रहा है तपस्या का लेकिन सन्यासी का जात नहीं है मतलब सन्यासी के जात पहले भी नहीं थी न्यासी से मुक्ति नहीं मांगता है पुत्र मांग रहा वह अभी एक फल दिया जो फल आत्मदेव को धुंधकारी तक पहुंचा दिया ये तो भागवत कथा रोज तुम लोग सुनता है ना इसलिए मैं कहता हूं रामायण की कथा नीति का है इसलिए कहते हैं नीति का सुनाओ एक महाभारत की कथा जुक्ति की है महाभारत कथा जुक्ति सुना ना एकलव का अंगठाई भी काटर लेना एक जुक्ति है महाभारत की कथा जुक्ति का है और भागवत की कथा मुक्ति की है आर्ट ऑफ डेथ लेकिन हर सठे हम लोग श्रीमद भागवत कथा कहते हैं सुनते हैं सुनाते हैं है ना जी खूब सुनता है मन से न कहने वाला मुक्त होता है ना सुनने वाला मुक्त हो रहा है मैं पूछता हूं कोई मुक्त हुआ तो नहीं कहता है कि मैं सुना रहा हूँ मुक्त हो जाए आप हो जाइएगा उसका देखेगा सब अंगुलियों में अंगूठी है देखा है कि नहीं ये नहीं तुम लोग पूछता है कि गुरु जी आप तो ये कथवा सुनाकर मुक्त कर रहे हैं आपको तो दस उंगली में उठी है आप तो नौ ग्रह के चक्कर में रह गए ना तो आपको तो नौ नौ ग्रह से ही छुट्टी नहीं मिला तो मुक्ति कैसे होंगे आपका ये कोई प्रश्न नहीं करता करता है अब करेगा <laughs> नहीं मैं कि सुनाने वाला ग्रह के चक्कर में तुमको कैसे मुक्त करेगा लेकिन हम कहते हैं तो वह भी एक फल दिया तीन बार फल की कथा आई एक बार आत्मदेव को पंडित मिला फल दूसरा बार भरतरी को मिला है और तीसरा बार भरतरी के ही भाई विक्रमादित्य को मिला है फकीर दिया है फल फकीर तो फल ही देता है ना फल ही देगा पैसा कहाँ से देगा तुमको वो फल बाजार से खरीदने तो जाएगा नहीं अपने बगीचा में से कोई तोड़कर दे देगा नहीं तो तू लाएगा दस किलो फल उसमें से उठाकर एगो दे देगा कहेगा गरे गुरु जी तो बड़ा घाटा लगा लाएगा किलो दो किलो लाता है तो कहीं नहीं देता है नहीं भी दे सकता है लेकिन उसको उठाकर एक ही देने में उसकी गुणवत्ता बदल जाती है उसके हाथ में यह गुण है वह भी फकीर भरतरी को एक फल दिया बिना मांगे बिना परिचय का बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून मांगन मरण समान है मत मांगो कोई भी मांगन से मरण भला यह सदगुरु का सिख इसलिए गुरु और गोविंद कहीं जाकर मांगना नहीं चाहिए शांत बैठ जाओ मन से भी मत मांगो चुक जाएगा देखो सब मांगने वाला चुक गया ये लो मांगा नहीं है राजा धुंधकारी आत्मदेव ने मांगा है चुक गया ना ये राजा लोग मांगता नहीं ये राजा की वृत्ति मांगने की नहीं होती है राजा की वृत्ति देने की होती है एकलव्य गरीब होते हुए भी राजा वित्त का नहीं है दे रहा है दे करके कहीं कहा नहीं कि गुरुजी ने मेरे साथ घात किया तुम लोग तो कहता ना अरे गुरुजी गए थे तो हमसे दस हजार रुपया ले लिया यार अब नहीं जाएंगे <laughs> देखो कहीं एकलव्य का बात नहीं आता कहीं कहा गया या गुरु के प्रति अविश्वास प्रकट किया हो कि मेरा जिंदगी खराब कर दिया या जिंदगी तो खराब कर दिया ना लेकिन कहीं अविश्वास प्रकट नहीं किया उसका फलाफल गुरु जाने मैं अपना फलाफल जानू लेकिन तुम जानते नहीं हो एकलव्य का एकलव्य था ही राजा का पुत्र जानता नहीं है एकलव्य जो नॉट भिल हुआ है यह आया है कि जब भगवान कृष्ण और बलराम चले गए हैं हिमालय में तपस्या के लिए तब एक और काशी का नरेश काशी नरेश क्या नाम था भूल रहे हैं पौंड्रिक पौंड्रिक थे ब्राह्मण थे पौंड्रिक वो अपने को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं विष्णु का अवतार मैं ही हूं अक्षर डिक्लेयर करते हैं कृष्ण नहीं पौ, पौंड्रिक भी आर्टिफिशियल गरुड़ बना लिया था आर्टिफिशियल चक्र सुदर्शन ले लिया था इसलिए कहा था विष्णु देख ही ना रहेगा पौंड्रिक्लव्य को लेकर अटैक कर दिया द्वारिका पर उधर से बलराम आए देखे कि हमारे अटैक किया है बलराम ने हल से प्रहार किया और पौंडिक को मारा खत्म विष्णु जी हो गए पौंडिक जब दूसरा अपना हल का प्रहार एकल पर किए देखो एक कृष्ण एक, एक, एक ऐसी प्रतिभा है जिसके सामने कोई रहस्य छिपा नहीं है तुम्हारा समय का सदगुरु ऐसा होता है तू लाख झूठ भर कर अपना रहस्य छिपाओ छिपा चीपा नहीं पाओगे सब प्रकट है उसके सामने जे ही अपना असर छोड़े एकलब पर मारने के लिए कृष्ण आकर खड़े हो गए भैया मत छोड़िए कुल हत्या होगा देखो ब्रह्म हत्या कर सकते हो कुल हत्या नहीं करना चाहिए इसीलिए जो व्यक्ति अपने घर में युद्ध करता है बड़ा खतरनाक होता है कृष्ण कुल हत्या को बचाया है कुल हत्या है कहा कि कुल हत्या कैसे एकलव्य कर दी हो, बना दिया तुम कहा कि पहले जो छोड़े हैं वह तो बुलाइए तब तो मैं बताऊं वो जाकर उसका संहार करे तो मैं कैसे बताऊंगा बलराम अपने अस्त्र को वापस लिए देख लिया एकलव्य तो मैं मरने जा रहा था कृष्ण ने मेरी मृत्यु रोक दिया है यह यह जो है युद्धा के लिए वीर के लिए सबसे बड़ी मृत्यु है देखो किसी वीर को तुम युद्ध में मार रहे हो और उसे छोड़ दिया वह उसकी सबसे बड़ी आत्म मृत्यु है तूने जीवन दान दिया मुझे कमजोर समझ कर एक कांप गया सब असस फेंक दिया दौड़कर आ रहा क्यों छोड़ा मुझे इधर जो है समझा रहे हैं भैया वो हमारे खानदान का है कैसे कहा कि हमारे बड़े चाचा जो थे हमारे पिताजी दो भाई थे उनका लड़का एकलव्य है और जब यह जन्म लिया है तभी पंडितों ने कह दिया था जिस घर में यह रहेगा उस कुल का नाश होगा इसलिए इसको जो है बक्से में बंद करके नदी में गंगा में बहा दिया गया भैया और भीड़ लो पाए हैं इसको पोसा गया है इसलिए भील जो है वो भील वायक कहते हो आप लोग भील का लड़का है लेकिन है मेरा भाई एक कल्य सुन लिया और एक क्लब्य आकर के दौड़कर कृष्ण के प्रणों चरणों में गिर गया कि नहीं नहीं तू बाण छोड़ने दो कृष्ण छोड़ने दो मैं वीर हूं कहा कृष्ण अपने अंक से भर लिए नहीं नहीं तू मेरे भाई हो मैं कुल हत्या नहीं कर सकता एक कल जो है रोने लगा कहा कि हाँ मैंने अब मुझे जीवन दान दिया है लेकिन अब जीवन को लेकर के मैं राज्य में नहीं जा सकता हूं भैया देखो इतने कृतज्ञ लोग भी होते हैं आपने मुझे जीवन दान दिया है इसलिए बताओ मैं इस जीवन को क्या करूं कहा कि मुझे समर्पण कर दो कहा कि तुम्हारे पैरों में समर्पण कर दिया अब तुम्हारे साथ साथ चलूं, कहा कि हमारे साथ साथ चलने से कुछ नहीं होगा तुमने कुछ ऐसा कर्म किया था कि अपने राजकुल में जन्म लेते हुए भी भीलबुआई में गया तुम्हारा अंगूठा काटा गया तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिली तुम जो है महाभारत का नायक नहीं बन पाया तुम शेष जन्म तुमको मैं मंत्र बता रहा हूँ तू जो है जाओ हिमालय मेरा तपस्या क्षेत्र है बद्रीनाथ मेरा तपस्या क्षेत्र है मैं जो कह रहा हूँ वह जाकर वहाँ तपस्या करो शेष लाइफ तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी तुझे बचाने का कल्याण हो जाएगा तू मुझे जीवन दान दे दिया तो उस जीवन का मेरे अनुसार उपयोग करो देखो यह होती है बात ना हम लोग क्षण क्षणे तुष्टा अभी संकल्प लेंगे दो दिन के बाद बदल जाएंगे नहीं मन नहीं मान रहा है मन तो यह कह रहा है भोगो यह मनोभ बार बार भोगा रहा है जन्म जन्म भोगा रहा है गुरु जी संकल्प दिलवाएगा ना नहीं रहता संकल्प इसलिए राजा बार बार राजा राज की बात आती और एक लव्य लौटा नहीं घर चले हम जरा घर द्वार संभालें लड़का दुर्ग को बताया मैं कुछ नहीं चला गया वहीं से चला गया बज्रिकाश्रम लोग गया तो कहा नहीं कि क्लब से जरा मिलवाइए देखो यह हमने कहा श्रद्धा से उसकी श्रद्धा थी इसलिए वह सदगति को प्राप्त किया और राजा भरतरी का भी चक्रवर्ती सम्राट थे बड़े धर्मात्मा थे धर्मयुक्त राज करते थे एक दिन की धर में बैठे थे एक दिन फकीर आ गया उनके यहां भी फकीर आएगा तो कुछ ना कुछ घटना घट गट जाएगा इसलिए फकीरों के साथ रहना बड़ा मुश्किल है वह तुम्हारे अनुसार काम करेगा नहीं तुम कहे गुरु जी इधर से चलो उधर से वह जरूर नहीं तुम्हारे अनुसार चलेगा उसके इच्छे अनुसार तुझे चलना होगा वह फकीर भी एक फल पकड़ा दिया बिना मांगे रजा भरतरी भी पूछे लेकिन भरतरी को ही क्यों पकड़ाया बताओ बहुत राजा थे अरे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय साढ़े छः सौ राजा थे साढ़े छः राजाओं का समाहित किया गया तो बहुत राजा थे ना फकीर और किसी को पकड़ाता भरतरी पात्र देखा होगा समझा होगा यह तो आया है किसी और काम के लिए और किसी और काम में लटपटा गया है गुरु काम भी होता है तुम किसी और काम में यदि लटपटा रहे हो तो वह तुम्हारे उस काम से छोड़ा दे जबरदस्ती छोड़ा दे तुम कहें कि नहीं मुझे कुछ समय दीजिए थोड़ा समय इस काम से संतुष्ट हो जाओ ना सरकम क्रिएट कर देगा लो पिटाओ नहीं मानेगा तो पिटाएगा बेइज्जत होगा और फिर तुम्हारी जीवन नरकीय ढंग से बीत के समाप्त हो जाएगी नाली का कीड़े बन जाएगा इसलिए गुरु दया कर चाहते तो नाली कीड़ा मत बनो अधोपतन को मत जाओ गति को प्राप्त करो फिर जिंदगी नहीं मिलेगा और मिलेगा तो हम नहीं मिलेंगे कोई जरूरी है कि मिलेगा तुम्हारा जिंदगी मिलेगा फिर गुरु नहीं मिलेगा इसलिए कभी कभी ठोकर मारता है लेकिन सबको नहीं मारता ठोकर ना किसी किसी को मारता है जब वह जाने लगा कहा फकीर रुको दक्षिणा कुछ नहीं लिया फल देकर चला गया इस फल का कीमत क्या है महात्मा क्या है ये फल जो खाएगा बेटा अमर हो जाएगा इतनी कीमती फल इस तरह को चल दिया कुछ इसका लेगा इस नहीं। इसका कीमत दे सकता है तू बताओ एक हार्ट के ट्रांसप्लांट में आठ दस लाख खर्च हो जाता है एक किडनी के ट्रांसप्लांट में देखता है ना दस पंद्रह बीस लाख खर्च हो जाता है एक आंख के बदलने में आंख का ऑपरेशन दो चार लाख खर्च हो जाता है बताओ कितना शरीर तुम्हारा कीमती है अमर करने का यदि फल मिलने लगे तो करोड़ों का डाक होने लगे ना डाक हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा कहा कि इसका कीमत दे पाएगा बेटा तो हमको क्यों दे दिए कहा कि बस मेरी इच्छा हुई, तुम इसके लायक हो पात्र हो जानता था कि मैं इसके बारे में यदि कहूंगा कि तुम्हारे जहां जहां लगाव है निरर्थक है हट जाओ यह मानेगा नहीं प्रत्येक आदमी की वासना मन में इतनी फंसी रहती है कि वो अपने ही मन वाली बात समझा देता है कि यही ठीक इसलिए गुरु क्या करे गुरु बेचारा क्या करे बेचारा हो जाता है ना बेचारा हो जाता इसलिए फल कहा के अमर हो जाए कह कि चलता बना परिचय भी नहीं बताया अब वह बेचारा फल लिया तो कहा कि हम देखो कहाँ ठोकर लगना है अपना काम कर दिया गुरु लेकिन वह राजा के कि साथ किया तो समझेगा साधारण आदमी नहीं समझता झगड़ा करता तगड़ा करता वहीं रहता भाग पराय होती बंटवारा होता <laughs> होता ना लेकिन वह राजा है वह कहा फल हम किसको दें उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी पिंगला सुना है नाम तुम लोग वह पिंगला को दे दिया वह पूछी पिंगला उसकी पत्नी इस फल का क्या कीमत है पति देव कहा कि तुम बहुत सुंदर है तुमसे मेरा प्रेम है इसलिए अब तुम्हारे प्रेम का प्रतीक देख रहा हूँ कि तुमको इसी रूप में मैं देखता रहूँ इस फल को खा लो तुम इसी रूप में रहेगी तो तुम मैं तुमको देखूंगा मैं प्रसन्न रहूँगा वह रख ली उनके सामने नहीं खाई रख ली यह जरूरी नहीं कि हम जिसे प्रेम कर रहे हैं वो हमसे भी प्रेम करता हो जरूरी है यह बिल्कुल नहीं है असंभव सबसे बड़ा इस दुनिया में असंभव यही है कि तुम जिसे प्रेम कर रहा हो तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है वो जिसे प्रेम कर रहा है उसे वह नहीं कर रहा है अब तुम लोग भी जाकर अपने अपने घर में आजमाने लगना <laughs> चुक जाएगा जमाना मत चुक जाएगा है ना जी बिल्कुल सत्य चिट कर रहा है सब एक दूसरे को एक ही से तुम्हारा प्रेम शाश्वत हो सकता है गुरु से गोविंद से प्रेम करो वह शाश्वत रहेगा गोविंद से करो मायवाही वाही होने होश हो और जहां भी संसार में किसी से प्रेम कर रहा है वह तुमको धोखा देगा वह देकर कर चला है पिंगला रानी है महारानी है सम्राट की महारानी है सोची कि मैं इस फल को क्या खाऊंगी फल को क्यों ना हम अपने प्रेमी को दे दे वह दिखाएगा सुंदर रहेगा जवान रहेगा तो मैं देखते रहूंगी वह अपने प्रेमी को फल दे दी जब उससे प्रेमी उसका मिलने आया तो उसको दे दिया वह पूछा कि मैडम यह कैसा फल है कहा कि तुम अमर हो जाओगे सुंदर रहोगे वो ले लिया पॉकेट में रख लिया कहा कि हम क्यों करें वह किसी और से प्रेम करता था वह उस राज की नर्तकी थी वैश्या थी वह जाकर बेश्या को दे आया कहा को क्या है फल कहा कि आप खाएगी नहीं तो सुंदर रहेगी जवान नहीं रह जाएगी इसलिए मैं हमारे फल दे दिया नर्तकी फल रख ली हफ्तों दिन वह नर्तकी सोचते रही हे भगवान मैं एक फल क्यों कहा कर क्या करूँगी पता नहीं पूर्वजन्म में यह कौन सा कर्म किया है कि यह मुझे कर्म करना पड़ रहा है नर्तकी का काम बेस्या काम करके जीवन उपन कर रहे हैं और मैं अमर हो जाऊँगी तो पूरा कितना दिन को हम यही काम करूंगी भगवान ये हमारे लिए नहीं है यदि भगवान जीवन में कुछ भी पूर्ण किया है तो बताओ मैं फल किसको दूं बहुत विचार करते 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 उसको विचार में आया कि हमारे देश का सम्राट जो है भरतरी बड़ा धर्मात्मा राजा है यदि वह यह फल खा लेगा तो वह अमर हो जाएगा तो वह जो काम करेगा धर्म का करेगा धर्म का करेगा इस पृथ्वी पर धर्म फैल जाएगा देखो उसका कितना बड़ा विचार वह जो है सुबह सुबह स्नान उस्नान करके भगवान के मंदिर में नारायण के मंदिर में पूजा की सष्टांग प्रणाम करके हे नारायण हमसे जिंदगी में एक यही काम करा दीजिए इस फल को हम भरतरी को देते हैं भरतरी खा लें और जो है ये धर्म का राज रहे ई पापिन को बचा लो नारायण देखो एकदम जिसको जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं इसीलिए कहा गया है एक चित्रलेखा बहुत पहले चला था किताब हम लोग पढ़ते थे बचपन चित्रलेखा के नाम थे कि एक सन्यासिनी कैसे बेस्या बन जाती है और बेश्या कैसे सन्यासिनी बन जाती है इसका सिनेमा भी चला था पढ़ा है तुम तो लोग देखा जिस पर हमने उच्च निगाह रखते हैं कि वह सन्यासिनी थी बहुत धर्मात्मा थी बहुत विरोध भी हुआ था इस पर साधु लोगों ने किया था वह कैसे कैसे अपने कर्म से विचलित होकर बस्या बन गई और बेश्या कैसे एक धर्मात्मा महात्मा बन गई यहाँ बन गया ना एक रानी कैसे पतन को प्राप्त हुई एक बेश्या कैसे सुबह सुबह राजा बैठे थे तब हुआ कि एक आप स्लिप गया महाराज आपके राज की एक बेश्या नर्तकी मिलना चाहती महाराज घड़बड़ा कि नर्तकी हमसे हम, हम तो अभी कभी विष्यालय गए नहीं नर्तकी गए नहीं हमसे क्यों मिल रही है कहा कि महाराज आप राजा हैं आपको सबकी बात सुननी है ना कहा कि जी हाँ बुलाओ आई बड़ी श्रद्धा से प्रणाम की प्रेम की और वह जो है थाल में सजा कर लाई थी वो थाल जो है आगे हेतरी समर्पित कर दी सब चीज़ का स्टैंडर्ड है ना जैसे तुम्हारे घर जाएंगे कोई तो एक गिलास में चाय बना के तरी पकड़ाएगा ना बहुत अच्छा यही करेगा वही चाय मैं एक राज घर में गया था एक गाड़ी है तेरी खूब सजाया हुआ जैसे दुल्हन सजाकर आ रही है ठेला गाड़ी है ठेलते हुए आया हम भाई गजबे हाल है क्या रहा है फिर धीरे से उसका पर्दा हटाया गया उसमें से टी पेट पॉट आया टी पॉट निकल आ गया फिर उसमें से चाय डाला गया फिर उसमें से धीरे से एक तरफ हटाया गया फिर उसमें से एथी निकाला गया मिठाई उठाई नमकीन निकाला गया रखा गया वही तो रखा है सजा धया कर गाड़ी फिर जब हम लोग पी लिए तो उसी में रखा गया धीरे 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 उसको न कर ले गया हम कहें कि यार ही आसानी से को प्लेटो लेकर रख दिया था आग में देखो वही चीज है स्टैंडर्ड बदल गया ना चाय तो वही है करिश्मा बदल गई भाव बदल गया फल वही है हाथ से घूम रहा है और फल सोने के थाल में आया है वैसे अपनी पूरी औकात लगा दी है श्रद्धा में इसलिए श्रद्धा प्रकट होती है सोने का थाल है सजाया गया है ऊपर से ढांका गया है और वह प्रोड्यूस की राजा की राजा ने पूछा है क्या कहा सरकार देख लीजिए राजा हटाया प्रदा हटाया देखा वही फल वही कीमती चीज चौंक गया धरती खसकेगी खसकेगी हृदय क्या जी मेरा पूछा मैडम फल कहां से मिला है कहा कि महाराज छोड़िए इसकी कहानी फल का कीमत क्या है कहा कीमत भी छोड़िए महाराज इसकी खूबी क्या है इसकी खूबी महाराज यह है कि जो खाएगा अमर हो जाएगा अमर हो जाएगा और इसी रूप का हो रह जाएगा पुलिस अधिकारी कहा कि इसे गिरफ्तार करो कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया हॉन करते हाथ जला हाथ जलता है ना खाना बनाने में हॉन करने में बेसिया कांप गई कहा कि इसीलिए कहा कि बड़े लोगों से नहीं मिलना चाहिए हम तो आए पुण्य समझ कर देने के लिए आपको कहते गिरफ्तारी हो गई हमारी कांपने लगी कटघरा में खड़ा कराओ इसे कटघरा में जानते हो खड़ा हो गए चाल होते पुलिस संतरी खड़े हो गए राजा पूछा स्पष्ट शब्दों में बताओ तुमने फल कैसे पाया स्पष्ट बताओ अन्य था सर्वोच्च न्यायालय में बाई हो राजा सर्वोच्च पद पर बैठा होता था न्याय करता था तारीख नहीं पड़ेगी तारीख डाल देता है फल लाया कहाँ से बताओ बेसिया ने कहा कि सरकार कह नहीं सकते हैं कह नहीं सकती है तो मृत्यु को इंतजार करो इसे जाओ फांसी से जा दे दो कहा कि तो इधर से मरना उधर से हम आए थे अच्छा करने के लिए फांसी क्यों से फल हम कहा गए रहते कहा कि महाराज यह फल आपका यदि कह देते हैं लेकिन बात खुलेगा नहीं ना हम लोग भी गलती करके कहते हैं बात खुलेगा नहीं ना हमारी इज्जत का सवाल है नहीं ना खुलेगा आश्वासन मांगता है अरे तुम्हारा बात तो खुल गया ऑलरेडी प्रिंट हो गया मेरे प्रिंट मीडिया है ना प्रिंट हो गया हम बोल रहे हैं, प्रिंट नहीं हो रहा है प्रिंट हो गया तुम्हारे अंदर हो गया उसके अंदर हो गया नेचर में हो गया हजारों जगह प्रिंट हो गया कभी भी इस खेल को देखा जा सकता है किसी के द्वारा आंख वाला देख लगा कभी भी कभी भी इसीलिए कदम ही उठाओ सोचकर और एक जन्म में छिपाया कितने जन्म भोगना पड़ेगा इसलिए सदपुरुष जो होता है वह एक जन्म ही भोगने के लिए तैयार होता है वह कर छिपाना नहीं का बता दो कहा कि आपके सेनापति जी दिए सेनापति जी कैसे दिए तुमको कहा सेनापति जी आप हमारे आपके सेनापति जी हमसे प्रेम करते हैं अच्छा रात घर आया ना इसलिए सीबीआई करती है तो राज खुलते चलता है ना पर्दा दर पर्दा कितने लोग फंस जाते हैं शुरू होता है कांड कहीं से उसके पीछे कहाँ चला जाता है <laughs> अब राजा का दिमाग चकराया कहाँ चला गया फल मंत्री को आदेश दिया सेनापति गिरफ्तार करो सेनापति जी सुबह सुबह का समय था नहा उहा रहे थे सेनापति ना है राष्ट्र का तब तक से पुलिस पहुंची घेर ली घर द्वार कहा गरी भाई हमारा घर क्यों घेरा गया सेना का पति का कहीं युद्ध हुआ कहा कि नहीं आपको गिरफ्तार किया गया क्यों राजा जाने ये वारंट आया है जिस हालत में है उसी हालत में चलिए कपड़ा भी नहीं बदलने दिया गया गिरफ्तारी होती दूसरे हाथ में गिरफ्तार किया जाता है ना। उसी तरह से आए एक तरफ खड़ा हो गए उधर बेशिया को देखे कहा कि लाई क्या हो गया तमाशा राजा पूछा सेनापति जी उसको पहचानते हैं तो क्या कहें हाँ कि ना आंख पर जोर डाले कहा कि चश्मा दे रहे हैं आंख पहन लीजिए पहचानते या नहीं समय ऐसा आता है कि पहचानने वाले को नहीं पहचानते हैं और नहीं पहचानने वाले को पहचान लेते हैं एक मिनट में समय बदल जाता है यही मन का वासना है वासना भी इतना डवाडोल हो जाता है कि आदमी अति भ्रमित हो जाता है नहीं चाहते हुए अनर्थ से अनर्थ काम कर लेता है एक क्षण में विनाश को आमंत्रण कर लेता है कहक बोली जल्दी कि जी हां सरकार यह फल आपने इसको दिया है अब क्या कहे कहे दिए हैं तो आए कहां से तुमसे रहस्य घर आता जाएगा ना लेकिन यह राजा है पैरवी तो लगेगी नहीं वकील से बहस होगी नहीं जब से वकील के द्वारा बहस होने लगा तब केस लिंगर होने लगा एक इस देश का सबसे वरिष्ठ उकीलों में सामने हमसे कहा केस कैसे जीतते हो कहा कि एक सी पर तीन सी लगाते हैं एक सी माने कोर्ट एक सी है ना उस पर तीन सी का प्रयोग करते हैं है। हमने क्या किया सी ओ यू आर टी कोर्ट कोर्ट को हम कन्विंस करते हैं पहला सी लगाते हैं जब हमको हम इतने बड़े वकील हैं कि हमको कोई कन्विंसिंग कैसे ही नहीं मिलता है सब उल्टा पुल्टा मिलता है तब हम अपने ढंग से कन्विंस करना चाहते जब कन्विंस नहीं होता तो कन्फ्यूज द कोर्ट कन्फ्यूज कर देते हैं अपने बहस के द्वारा जब कन्फ्यूज भी नहीं हो पाता है तो करप्ट द कोर्ट करप्ट कर देते हैं लोग कितना पैसा लेगा एक सी पर तीन सी लगाकर मैं जीतता आता हूं अब बताओ हमसे अपना मूल मंत्र बताया यह कहते हुए इस देश का सबसे बड़े वकीलों में से वकील पहले पल से कल गुरु जी कहिएगा मत हमारा सूत्र है कन्विंस द कोर्ट कन्फ्यूज द कोर्ट करप्ट द कोर्ट लेकिन राज परंपरा में इसीलिए कहा गया डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फुल्स कहा गया है ना प्रजातंत्र मूर्खों का यदि दस मूर्ख एक तरफ वोट दे और पांच जज एक तरफ वोट दे तो कौन जीतेगा बोलो मूर्खवे वाला ना ये कह वाला ना जीतेगा जज वाला जीतेगा तो क्या है वोट की कीमत यहां तभी से भारत संविधान में मना है कि जो भी व्यक्ति जो भी अफसर चार सीटेड होगा उसे पद से हटा दिया जाएगा समझ गया यह सब राम के उदाहरण लेकर बना है चार सीटे सीताप्रसंदेह हुआ चार सीट हुआ राजगद्दी राजप्रथा से हटा दी गई न्यायिक जांच हुआ जब पाक साफ होता है तो फिर राजगद्दी पर उठाया जाए बना है सेनापति जी फल आया कहां से अब सेनापति जी बता सकते हैं बताएंगे हसब हाँ ठठाई फुलाई बुगालो दो एक साथ न हो भुआलो हम चाहे खूब जोर से ठठा कर अब मुंह फुला ले फूलेगा इसलिए रामायण नीति की बात है और सूर्यवंशी की बात है उसी सूर्यवंश में भरतरी आया है रघुकुल सदा रघुकुल सदा चली आई प्राण जाए वचन न जाए वचन की बात है प्राण की बात है। कह दिया कह दिया इसीलिए सूर्यवंशियों का शासन बड़ा कड़क रहता था चालचित हो रहा था अभी रात भर अब सोचने दो सेनापति जी को हालांकि वहां सोचने का अवसर नहीं दिया गया लेकिन तू लो अवसर दे दो रात भर सेनापति जी सोचेंगे बताएं कि फल हमको मिला कहाँ से कहन सुन को है नहीं समझन की है बात इसलिए फिर हम लोग कल पूछ सामना सेनापति जी को कोर्ट में हाजिर करेंगे और पूछेंगे फल कहाँ से मिला